हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं शाहीन आज एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक पार्क है। ये सिर्फ एक पार्क ही नहीं है, ये एक भुवनेश्वर का टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। इसको बीजू पटनायक पार्क भी कहते हैं और ये भुवनेश्वर का सबसे ओल्डेस्ट पार्क है और ये कैपिटल हॉस्पिटल के पास है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। अगर आप उड़ीसा टूर का कभी प्लान करो तो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करना। ये भुवनेश्वर का एक फेमस प्लेस है। टूरिस्ट पैकेज अगर आप लेते हैं तो ये प्लेस ज़रूर से इंक्लूड होता है। और ये एंट्री फ्री है। मॉर्निंग में ये 6 बजे खुलता है और 2 बजे बंद होता है, और इवनिंग में 5 PM to 8 PM। तो आप यहाँ पे आके आराम से घूम सकते हो, खेल सकते हो, वॉक कर सकते हो, चिल कर सकते हो। क्लीन है, नीटली मेंटेन्ड है और द सीनरी इज़ वेरी गुड। और अपने नाम की तरह ही आपको जंगल वाली फीलिंग आएगी। सिटी के अंदर फुल ऑफ ग्रीनरी और फ्लावर से भरा हुआ है। अच्छी जगह है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटा सा पुल है, इसका नाम लीली पुल है। यहाँ आप सुकून से कुछ पल बैठ सकते हैं। अगर आप स्टोरी एक्सेट्रा लिखते हैं तो यहाँ बैठकर आप लिख सकते हैं। पीस है, बहुत सारी यहाँ पे एमिनिटीज़ है। और मॉर्निंग में तो स्पेशली मॉर्निंग में यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून और पीस रहता है। और ये देखिए, एक छोटा सा लाइब्रेरी भी है। आपके पास अगर कोई बुक है, आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ स्टॉक कर सकते हैं। बाहर लॉन एरिया में भी पढ़ने का बना हुआ है, यहाँ पे भी आप सुकून से पढ़ सकते हैं। ठंडे के सीज़न में हल्की धूप में स्टोरी बुक पढ़ने का अपना ही मज़ा है। इवन समर में भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। अंदर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अंदर में बहुत सारे बुक्स हैं, मैगजीन्स है, रीडर डाइजेस्ट है। तो आप यहाँ पर आराम से आके सुकून से पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी की भी टाइमिंग है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे तक आप बैठ सकते हो और इवनिंग में 4 बजे से शाम के 7 बजे तक आप बैठ सकते हो। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का फुल अरेंजमेंट रहता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा छोटा सा ये लाइब्रेरी। बुक मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पेड़ के ऊपर जो एक छोटा सा हार्ट टाइप का बना हुआ था, उसके अंदर जो बुक रखा हुआ था वो मुझे देख के बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा लग रहा था। तो यही है, और भी बहुत सारे इम्यूनिटीज़ है इस पार्क में। देखिए ये एक्वा प्रेशर पाथवे है और इसमें आप खाली पैर चलें अच्छा होता है, हेल्दी होता है। मैं तो सिर्फ 1 या 2 राउंड ही लगा पाती हूँ। इसी में मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा किला फतह कर दिया है। और पास में ही बैडमिंटन कोर्ट भी है। और भी बहुत सारी इम्यूनिटीज़ हैं यहाँ पे, लाइक वॉकिंग, रनिंग ट्रैक, एक्वा प्रेशर ट्रैक, चेस बोर्ड, बैडमिंटन यार्ड, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, ओपन जिम, हाइट और वेट चेकिंग फैसिलिटी, वाटर फाउंडेशन, वास्ट लॉन एंड लॉट्स ऑफ ट्री है। सुकून ही सुकून है भाई यहाँ पे। यहाँ देखें, यहाँ फिट इंडिया फिट उड़ीसा का प्रोग्राम चल रहा है। ये एक म्यूजिकल फिटनेस प्रोग्राम है। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज़, इसका कोर्स है। ये प्रोग्राम 3 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा और इसकी टाइमिंग है सुबह की 6 AM to 7 AM, 1 घंटा पूरा। ये लोग डांस विथ एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं। कुछ लोग मोबाइल पे ही लगे हुए हैं, कुछ मेरी तरह वीडियो बना रहे हैं। तो यही है, अच्छा लगा लेकिन देख के। हम हर रोज़ तो नहीं आ पाती हूँ, हाँ संडे टू संडे इधर डेली आ रही हूँ। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। एक बंदे ने तो बड़ा अच्छा गाना गाया, सच्ची सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। छोटे बच्चे भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। गेट की एंट्री के पास बहुत सारी इट्रीज शॉप भी मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारी हेल्दी ड्रिंक्स और नट्स वगैरह भी रहते हैं। तो आपको अगर एक्सरसाइज करते करते भूख लग गई है और प्यास लगी है और आप कुछ पीना चाहते हैं तो बाहर जाके पी सकते हैं। ये जो जगह है ना, सब एज ग्रुप के लिए, लोगों के लिए। यहाँ पे लोग बच्चे भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, यंग लोग भी आते हैं, मतलब हर लोग के लिए। बट इन इवनिंग इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन, माइंड इट।
बहुत सारे लोग तो यहाँ बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, मैंने कई बार देखा है। अपना केक वेक लाते, एक छोटा सा पार्टी टाइप यहाँ पे सेटिंग करते हैं। और वेल मेंटेन्ड है और ऑसम प्लेस है फॉर हैंग आउट। अगर आप उड़ीसा आते हो तो यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट करना। और यहाँ फ्री में मेडिकल चेकअप हो रहा है, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, एसेट्रा एसेट्रा। लोग क्यू में लग कर अपना टेस्ट करा रहे हैं। ये फिट उड़ीसा के प्रोग्राम में ही इंक्लूड है और फ्री है। कई बार मैंने गेट के बाहर भी देखी हूँ फ्री चेकअप करते हुए, बट ये वाली मेडिकल चेकअप फिट उड़ीसा के प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। अगर आप भुवनेश्वर या इसके आसपास कटक वगैरह एरिया के आसपास रहते हैं तो आकर आप फ्री चेकअप करा सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ही पार्क में बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं, वॉकिंग, रनिंग ट्रैक, एसेट्रा एसेट्रा, बला बला, वाटर फाउंडेशन, वास्ट लॉन, कितने सारे चीज़ हैं। और सुबह का इन्वायरमेंट तो बहुत पीसफुल होता है। बहुत से लोग तो दूर दूर से आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और हेल्दी और फ्रेश एयर इनटेक करते हैं। तो आपका भी अगर इधर का प्रोग्राम बनता है तो ज़रूर इस पार्क में आया कीजिए, ज़रूर बहुत अच्छा पार्क है। ये ऑफ़ कोर्स बेस्ट फॉर फ़ोटोशूट। और हम जहाँ भी जाओ, हम लोग दो चार पिक्स या सेल्फी ना ले तो कंप्लीट सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर भी ले सकते हो। देखिए कितना प्यारा छोटा सा हट बना हुआ है और आप आराम से सुकून से बैठ के आप पिक्चर लो, वीडियो बनाओ। कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। इस तरफ देखें रेन शेल्टर शेड बना हुआ है, तो अपने आप को रिफ़्रेश करने की अच्छी जगह है। ओपन जिम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट लगे हुए हैं। मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो मुझे ऑकवर्ड लगा, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाई। आजकल तो हर जगह पार्क और ओपन जिम होती ही है, बट मेंटेनेंस नहीं रहती है। किसी का कुछ टूटा हुआ है तो किसी का कुछ, तो कहीं कचरा फेंका हुआ है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पूरा नीट क्लीन फुल ऑफ मेंटेन है। हर जगह डस्टबिन है, कई जगह टॉयलेट्स हैं, तो पूरा फुल मेंटेन और क्लीन पार्क है ये। तो सुबह सुबह ऐसी जगह आप जाओ तो मन ऑटोमेटिकली ही फ्रेश हो जाता है और सारा दिन फ्रेश फ्रेश गुजरता है। वैसे भी आपके शहर में जैसा भी पार्क हो या ना भी हो, खाली फील्ड ही हो, तो भी आप मॉर्निंग वॉक कर ले, ये सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है और मन भी फ्रेश रहता है। बट बात वहीं रुक जाती है, इतने मतलब हम लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वही आलसीपन का ही एक बात होता है, इस वजह से हम लोग नहीं निकल पाते हैं। मैं अपने बारे में कह रही हूँ, मैं नहीं निकल पाती हूँ। कई लोग तो इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि एक भी दिन स्किप नहीं करते हैं। मेरे खुद के पापा भी डेली योगा मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैं अपने लाइफ में उनको 6 बजे के बाद कभी सोते नहीं देखी। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो मतलब उनकी तबीयत ख़राब है। तो चले मैं क्या अपने घर की बात लेके बैठ गई, तो आप देखें कितना ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत पार्क है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in.
of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. यही था मेरा आज का ब्लॉग फॉरेस्ट पार्क का फुल सर्वे, जिसको कि बीजू पटनायक पार्क भी कहते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें दुआओं में याद रखें। बाय, टेक केयर।